तो हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम केम छो, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हाई क्रश के एक नए एपिसोड में। तो आज हम बात करने वाले हैं रेड रिवर एग्जीबिशन फॉल फेयर के बारे में। तो अगर हम सीधी तरह बोलें तो यार मेला लगा है, वहीं पे जा रहे हैं हम। और वहाँ पर जाने से पहले हमारे साथ एक बहुत ही खास गेस्ट जुड़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम उन्हीं के पास जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये है हमारे खास स्पेशल गेस्ट, ये हमारे बड़े भाई हैं, इनका नाम है वरुण। तो वरुण जी, हम आपसे पूछते हैं कि आप विनीपेग में कितने टाइम से हैं? मैं विनीपेग में, पहले तो मेरे सभी देखने वालों को नमस्कार, और मैं विनीपेग में 2013-14 में आया था और तकरीबन 8 साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए। तकरीबन 8 साल इनको यहाँ पर रहते हुए हो गए। और क्या है आपका बेस्ट एक्सपीरियंस, या आपको क्या कहना चाहेंगे कनाडा विनीपेग के बारे में? कनाडा लाइफ अच्छी है, विनीपेग में मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, अच्छे लोग हैं, घर है यहाँ पे अपना, नेबर्स अच्छे हैं, वाइट पीपल रहते हैं साथ में, एक्सपीरियंस अच्छा है यहाँ पे, चीज़ों में प्योरिटी है, इनकम अच्छी है, लाइफ बंदा अच्छे से जी सकता है यहाँ, मतलब कि अफोर्डेबल है कई चीज़ें हम जो इंडिया में या हमारी कंट्रीज़ में नहीं कर पाते, पाकिस्तान बांग्लादेश इंडिया में, यहाँ पर हम वो चीज़ें कवर अप कर सकते हैं। मेहनत करो तो सब मिल जाता है, मेहनत करो तो सब मिल जाता है, ठीक है। और आपका ये तो था आपका बेस्ट एक्सपीरियंस, और अगर हम बात करें कि रेड रिवर फॉल लगा है इस साल, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? रेड रिवर एग्जीबिशन है वो हर साल लगती है तकरीबन जून जुलाई में, इस साल डिले होगी क्योंकि कोविड की वजह से बंद था। वहाँ पे ऑलमोस्ट इंडिया जैसा ही माहौल होता है, अलग अलग शहरों से लोग आते हैं, दूर दूर से काफ़ी देखने आते हैं, वो पोर्टेज एवेन्यू पे लगता है लास्ट में जाके, तो अच्छा है वहाँ पे, और झूले वगैरह होते हैं और डिशेज होती हैं अलग अलग कंट्रीज़ की, तो लोग वहाँ जाके इन्जॉय करते हैं डिशेज़ को, झूले होते हैं, जैसे इंडिया में दशहरे का मेला होता है सेम वही चीज़ यहाँ पे फील हो जाती है हमें जब हम वहाँ जाते हैं। क्या बात है, दशहरे वाली फील, दिवाली वाली फील वहाँ पे हमें देखने को मिलती है। मतलब इस साल लगा ही दशहरे दिवाली के आसपास है तो अच्छा ही है, बहुत ही मज़ेदार बात है ये तो। और आज मुझे लगता है कि रेड रिवर फॉल का मतलब फेयर फॉल का आखिरी दिन है, मुझे लगता है आखिरी दिन है यार, अगर आपने चलना है तो आपको ले चलते हैं। हाँ हम चलते हैं, कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से तकरीबन हमारे घर से है 15-20 किलोमीटर, 15-20 किलोमीटर, आधा घंटा लग जाएगा गाड़ी में, आधा घंटा लग जाएगा। तो चलो फिर हम चलें। हाँ जी चलो चलते हैं, ले चलते हैं आपको। चलो जी हम चलते हैं, तो मिलते हैं मेले में। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा माहौल अच्छा है, जैसे इंडिया में लगता है मेला वैसा ही मेला यहाँ पर लगा हुआ है, काफ़ी जगह से लोग यहाँ पर घूमने के लिए आ रहे हैं, और बहुत सारी भीड़ है यहाँ पर। आखिरी दिन है मेले का, काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है यहाँ पर। मैं आपको थोड़ी राइड्स वगैरह दिखाता हूँ यहाँ पर कौन कौन सी हैं। व्हील है, रिंग ऑफ फायर है, और बहुत सारी एक्साइटिंग राइड्स हैं यहाँ पे। बहुत सारी गेम्स भी हैं यहाँ पर खेलने के लिए, जैसे कि शूटिंग गेम्स हैं और बबल पॉपर गेम्स हैं, या फिर कई तरह की और सारी जो भी मेले में गेम्स होती हैं। सभी तरह की गेम्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। खाने पीने की यहाँ पे कोई कमी नहीं है, हर तरह का फूड यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ मिनी डोनट्स हैं, यहाँ पर बहुत सारा वेस्टर्न फूड है, चिकन बेकन या और भी कुछ खाना चाहते हो तो वो सब भी है यहाँ पर। मज़े की बात तो ये है कि यहाँ पर लोग बहुत सारे खुश लग रहे हैं, और मास्क तो यहाँ पे काफ़ी कम लोगों ने ही पहने हुए हैं।
बारिश भी थोड़ी थोड़ी होने लगी है यहाँ पे, और भीगने वाले हैं सारे हम यहाँ। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अगर आपके मन में कोई भी सजेशन है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पे नए हैं और चाहते हैं कि मैं ऐसी और नई नई वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ।